किशनगंज थाना अंतर्गत ज्ञान विहार कोटड़ा स्थित गोकुलधाम सोसाइटी से गिरने वाली नवविवाहिता के शव का मेडिकल बोर्ड से कराया पोस्टमार्टम। शव पियर पक्ष के किया सुपुर्द। मृतका के पिता ने बेटी के ससुराल वालों के विरुद्ध दहेज हत्या का दर्ज कराया मुकदमा। किशनगंज थाना अंतर्गत ज्ञान विहार कोटड़ा स्थित गोकुलधाम सोसाइटी की सातवीं मंजिल से शादी के कुछ घंटों बाद गिरने वाली नवविवाहिता की अस्पताल में हुई मौत के बाद आज पीहर और ससुराल पक्ष की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। बाद पोस्टमार्टम शव पीहर पक्ष के सुपुर्द कर दिया गया। मृतका कोमल शर्मा के पिता दीपक शर्मा ने किशनगंज थाने में ससुराल वालों के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनकी बेटी को न्याय चाहिए, साथ ही सारे मामले से पर्दा हटना चाहिए कि आखिर शादी के चंद घंटे बाद ऐसी क्या बात हुई कि उनकी बेटी मौत के आगोश में चली गई, जबकि वह पढ़ी लिखी थी और वह खुद ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती थी। उन्हें मामले की जांच पर भरोसा है। पुलिस और प्रशासन जल्द से जल्द उन्हें सही स्थिति से अवगत कराए। किशनगंज थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण ने बताया कि लड़की के पिता दीपक शर्मा की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिस पर पुलिस हर पहलू और तथ्यात्मक जानकारी के अनुसार जांच में जुटी हुई है। जल्द ही मामले में स्थिति साफ हो पाएगी। फिलहाल मृतका कोमल शर्मा के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव पीहर पक्ष के सुपुर्द कर दिया गया है और वह जयपुर लौट गए हैं। गौरतलब है कि 7 जुलाई को जयपुर रोड स्थित पैराडिजो रिजॉर्ट में जयपुर निवासी दीपक शर्मा की पुत्री कोमल शर्मा का विवाह अजमेर निवासी कपड़ा व्यवसायी रौनक बंसल के साथ संपन्न हुआ था। 8 जुलाई को सुबह 11 बजे विदाई समारोह हुआ और दोपहर 3 बजे कोटला स्थित गोकुलधाम सोसाइटी की सातवीं मंजिल से कोमल शर्मा के गिरने की खबर आ गई और परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां दौरान इलाज चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में लड़की के पिता ने ससुराल पक्ष पर संदेह व्यक्त किया है, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। 7 तारीख को मैंने मेरी बेटी की शादी रिसोर्ट जो अजमेर में पड़ता है, नहीं है हाईवे पे, वहाँ मैंने शादी कर रही थी। और 8 तारीख को 10 से 11 के बीच में मैंने क्या नाम है विदा वगैरह कर दिया था। विदा करने के बाद में हम लोग जयपुर के निकल गए थे। इन लोगों का फोन आ गया था 3 से 3:30 के आसपास कि आप लोग तुरंत क्या नाम है ना अजमेर आइए। हमने उनसे पूछने की पूरी कोशिश करी तो वो कुछ बोल रहे नहीं। वो बोले तुम्हारी बच्ची ऐसे बार ये करके फोन काट दिया। उसके बाद में मैं इनको फोन पे फोन करता रहा, इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर इनके कोई मिलने वाले थे उनसे, उन्होंने मेरे को फोन करके बोला कि आप क्या नाम है ना हॉस्पिटल पहुंची, आपकी बेटी का क्या नाम है ना वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, नहीं आया। यहाँ आने के बाद में मुझे पता चला सारी वारदात का कि ये चीज ऐसी हुई है। अब मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी मेरे को न्याय मिले और मेरी बेटी के बारे में मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन मिले कि उसके साथ में ये हादसा कैसे क्यों हुआ, क्या ऊपर से फेंक दी। क्या देश की मांग करते थे? देश की मांग का तो ऐसा कोई मामला ना तो हुआ था, और उसके बाद में अगर इन्होंने कोई वो डिमांड वगैरह जो भी थोड़ी बहुत जो होती है फॉर्मेलिटीज, वो चीज़ तो पूरी कर भी दी थी, सब राजू को से काम भी निमट गया था। उसके बाद ही 2 घंटे बाद में ये सारा खेल हो गया। घर पे जाने के बाद में क्या उन्होंने वो इनके कार्यक्रम चल रहे थे क्या वो हुआ, उसके बाद में मेरे पास में ये इन्फॉर्मेशन आई कि आप लोग अजमेर आ जाइए, तो मैं आ गया। कल से मैं यहाँ हूँ, मैंने पुलिस में क्या नाम है रिपोर्ट भी लिखवा रखी है। और मैं ये पूरी तरह चाहता हूँ, मैं शर्मा जी से भी चाहता हूँ, उनसे मेरा निवेदन है खासकर कि क्या नाम है ना मेरे को ये पूरी पूरी क्या नाम है ना मेरे को न्याय दिलाई जाए। लव मेरी नहीं थी सर, अरेंज मेरी थी। मेरे पड़ोसी थे, उन्होंने ये रिश्ता बताया था, उनके बुआ जी का लड़का था, उनके मार्फत ये रिश्ता हुआ था। क्या नाम था लड़की? जिन्होंने रिश्ता करवाया था? नहीं, लड़की का, लड़की का नाम कोमल शर्मा। रौनक बंसल रहते यहाँ रहते हैं अजमेर में, अपने ये क्या नाम है गोकुल वाटिका में रहते हैं 602 में। कितने बच्चे आप? मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटी एक बेटा। ये कोमल थी सब में बड़ी। कोचिंग का कोचिंग सेंटर वगैरह करती थी, कोचिंग सेंटर चलता था इसका, होम ट्यूशन वगैरह लेती थी ये अपने जयपुर। मेरी 3 बेटियों की शादी हो गई, इससे पहले मेरी 2 बेटियों की शादी हुई है, उसको 1.5 साल हो गया है। मुझे इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी कार्रवाई चाहिए। आपका नाम? दीपक शर्मा। मैं बच्ची का पिताजी हूँ। कल थाना किशनगंज में महिला थी कोमल शर्मा, इसकी परसों शादी हुई थी, वो यहाँ ससुराल में आई थी गोकुलधाम, इसकी 8वीं मंजिल से गिरने से मृत्यु हो गई थी, उसकी बॉडी मोर्चरी में रखाई थी। रात को उसके परिजन जयपुर से आए, जिन्होंने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, महिला का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा दिया है, आगे अनुसंधान जारी है।